वेरी गुड नून ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आई एम रिचा शर्मा एंड यू आर वॉचिंग परचम दिन के बज चुके हैं बार आई एस एंड इट इज टाइम फॉर आर डेली सी ए सेशन आज हमको थर्ड और फोर्थ ऑफ मार्च की करंट अफेयर कवर करनी है ऐसा क्यों क्योंकि मंडे टू सैटरडे आपकी डेली सी ए आती है दिन में बारह बजे और संडे को आपका वीकली रिवीजन सेशन आता है जो कल आरजू मैम ने लिया देखा है ओपन so हो जाएगा उसमें सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं वीकली प्लेलिस्ट जाकर के वहां से आप सेशन देख सकते हो बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक भी मिल जाएंगे ऐप का वेबसाइट का आईओ पे कैसे एक्सेस करें वेब एक्सेस कैसे करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू चेक आउट चलिए सो फोर्थ ऑफ मार्च यानी आज के दिन, साख कैलेंडर यानी कि नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के हिसाब से कौन सी तिथि पड़ती है देख लें। तो चलिए फागुन महीना चल रहा है है कृष्ण पक्ष यानी चांद इस फेज में घटेगा धीरे-धीरे छोटा होगा और आज नवमी है सो लाइक दिस न्यूज डिस्कशन की ओर बढ़े उससे पहले लास्ट सेशन में यानी को जाते जाते हैं पार्लियामेंट सिक्योरिटी यानी कि संसद सुरक्षा के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में क्या आंसर होगा संसद की सुरक्षा यानी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ए ए लेवल की होनी चाहिए एकदम यस बिल्कुल सही है अनुराग अग्रवाल ऑल राइट एंड देन ड्यूरिंग द सेशन जब हम इतनी सारी न्यूज डिस्कस करते हैं तो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछती हूँ और उनका डिस्कशन हम अगले दिन कर लेते हैं ठीक है आप भी एक्टिव रहने चाहिए स्पून फीडिंग की हैबिट नहीं होनी चाहिए सिर्फ सो so, आज रैंडमली मैंने श्रीतमा घोष जी का रिस्पॉन्स उठाया है एंड uh, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर किया है सो आई हैड आज यू इंटरनेशनल टाइगर डे कब आता है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई को एलिफेंट सर्वे कितने सालों में किया जाता है सो फाइव ईयर्स में जैसे टाइगर सर्वे चार साल में लेपर्ड सर्वे सर्वे चार साल में लेकिन एलिफेंट सर्वे हर पांच साल में किया जाता है कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स की पॉपुलेशन अभी है सो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अराउंड टू सिक्सटी टाइगर्स यहाँ पे दर्ज किए गए नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटी कम्युनिटीज तो मैंने पूछा था कितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अल्पसंख्यक समुदाय जो होते हैं भारत में है सो मुस्लिम क्रिश्चियन, सिख बुद्धिस्ट जैन और जो रास्ट्रिय या पार्सी सो सिक्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आर देयर इन इंडिया एंड फाइनली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स मैंने आपसे पूछे थे क्योंकि एक नई स्पीशीज खोजी थी और उनका नामकरण किया था हमारी प्रेजिडेंट साहिबा के नाम पर सो जेड एस आई के हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है सो ऑल आंसर्स विस एंड देन सैटरडे को मैंने आपका ये मंथली सीए रिवीजन एमसीक्यू सेशन भी ले लिया था पूरे फेब्रवरी महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लिए थे नहीं देखा हो मिस आउट हो गया फॉर एनी रीजन तो मंथली करंट अफेयर ट्वेंटी की प्ले लिस्ट से आप जाकर के डू चेक दिस सेशन आउट चलो जी आ जाओ सो so, आज फोर्थ uh, है लेकिन थर्ड ऑफ मार्च के भी हम इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे तो थर्ड ऑफ मार्च को एक इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वन्य जीव से रिलेटेड जो दिन होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे तो देख लेते हैं अच्छा आज ना वीडियो में एक मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है हिंदी मीडियम वाले मेरे जो बच्चे हैं ना उनके लिए सो so, इसके अगली वाली स्लाइड में आपको होपफुली वो दिखेगा तब मैं डिस्कस करती हूँ अभी पढ़ते हैं सो थर्ड मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024 ऑब्जर्व किया जाता है थीम क्या रही सबसे पहले बात करते हैं थीम क्या रही कनेक्टिंग पीपल एंड प्लान लोग और जो हमारा प्लैनेट है उनको कनेक्ट करना एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन वाइल्ड लाइफ के बचाव में डिजिटली हम कैसे क्या कर सकते हैं ये इससे रिलेटेड थीम रही सबसे पहला जो देश था जिसने प्रपोज किया था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमको मनाना चाहिए वो था थाईलैंड थाईलैंड हाँ थाईलैंड में एलिफेंट्स वगैरह बहुत है ना ठीक है सो so, थाईलैंड ने प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फिर इस दिन को डिक्लेयर किया था सो so, थाईलैंड ने इसको 2013 में प्रपोज किया डेट ईयर याद नहीं रखना है लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कौन से साल से शुरू किया है दो कैसे याद रख सकते हो जब से बीजेपी की सरकार आई थी आ, सेंटर में 2014 तो वहीं से आप याद रख सकते हो ठीक है तो थर्ड मार्च को कब थर्ड मार्च को गांधी जी के कितने बंदर तीन तो तीन बंदर थे तो तीन मार्च को वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ में थर्ड ऑफ मार्च को समझ में आ गई बात अच्छा, सो so, अब इसी दिन वर्ल्ड लाइफ डे यानी थर्ड मार्च को ही 1973 में साइट्स भी साइन हुआ था साइट्स क्या है साइट्स का फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेंजर स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा यानी कि जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनकी खरीद बेच नहीं हो उनकी ट्रैफिकिंग नहीं हो इसके लिए एक अग्रीमेंट साइन किया था देशों ने वो भी इसी दिन यानी थर्ड ऑफ मार्च को 1973 में हुआ था ये ग्लोबल अग्रीमेंट था राइट अब लो भाई मेरे हिंदी वाले बच्चों ये आज मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है जितनी भी न्यूज़ आज हम पढ़ेंगे उनमें अलग से मैंने हिंदी की स्लाइड डाल दी है लेट मी एक्सप्लेन अब इट मैं न्यूज़ वापस नहीं पढ़ूंगी समझाऊंगी मैं बाइलिंगबल जैसे समझा रही थी लेकिन बहुत टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट करे थे मैम हिंदी में मैटर दे दीजिए ध्यान दीजिए टेलीग्राम के ऊपर और परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में डेली इंग्लिश और हिंदी पीडीएफ आपको दी जाती हैं लेकिन हिंदी वाली पीडीएफ थोड़ी लेट आती है तीन चार बजे तक तो मुझे बताइएगा मैं इस तरह से दूं तो आपको हेल्प हो रही है या फिर मैं बारह बजे ही जब ये सेशन आता है तभी आपको हिंदी सी ए पी भी प्रोवाइड करवा दूँ तो आपका काम चल जाएगा क्या, क्या? क्योंकि अभी ये कन्वर्जन मुझे करना पड़ता है सुबह और कोई टीम मेंबर अवेलेबल नहीं होता मैं बिल्कुल पीपीटी फाइनल करती हूँ रिकॉर्ड करती हूँ ठीक है सो so, अगर आपको यहाँ से हेल्प मिल रही है तो ठीक है आई विल कंसिडर मैं देखूंगी आगे कर सकती हूँ या नहीं अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूं अगर 12 बजे ये मैं दे दूँ आपको हिंदी पीडीएफ भी इंग्लिश पीडीएफ वालों के साथ ही तो आपका काम चल जाएगा कि प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा ठीक है और मेरे इंग्लिश वाले बच्चों आपको तो कोई आपत्ति नहीं है वो भी बता देना ठीक है तो ये हिंदी वाले बच्चे यहाँ से स्क्रीन ले सकते हैं और फिर पढ़ सकते हैं नहीं तो मैं ट्वेल्व ओ क्लॉक आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी थर्ड ही मार्च को एक और इंपॉर्टेंट डे आता है वर्ल्ड हियरिंग डे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इंपॉर्टेंट है ज्यादा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्रॉस नहीं लगाऊंगी पर ये ओके ओके है वर्ल्ड हियरिंग डे सुनने से रिलेटेड है ठीक है जी तो विश्व श्रवण दिवस थर्ड मार्च वर्ल्ड हेयरिंग डे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व कर रही है 2017 से इसका ईयर 2007 से इसका ईयर याद रखने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे नहीं है सो वर्ल्ड हेयरिंग डे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व करती है इस बार की थीम क्या है चेंजिंग माइंडसेट्स लेट्स मेक ईयर एंड हेयरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल चेंजिंग माइंड ठीक है सो हल्का हल्का सा ध्यान रख लो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ बहुत शोर करती है ना तो आप हियरिंग से रिलेटेड वर्ल्ड हियरिंग डे भी है ऐसा कुछ एसोसिएट कर लो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नाउ देखो यहां पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन आया तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जल्दी से देख लेते हैं 1948 के अंदर इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया और यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये राइट और इसमें टोटल 194 नाइनटी फोर मेंबर्स हैडक्वार्टर कहां है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रॉस एडम गेब्रीजिस ठीक है ये हिंदी में भी लिखा हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाउ टॉकिंग अबाउट फोर्थ ऑफ मार्च बहुत इंपॉर्टेंट वीक के तौर पे इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है फोर्थ मार्च से लेकर के टेंथ मार्च तक नेशनल सेफ्टी वीक कौन सा वीक नेशनल सेफ्टी वीक यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह और ये फिफ्टी थर्ड एडिशन है इस बार की थीम देखो इस पोस्टर से ही काम चल जाएगा फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एस ईएसजी उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पे ध्यान दें नाउ व्हाट इज दिस ई एस जी एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस जी है तो फोर्थ मार्च को हम नेशनल सेफ्टी डे की तरह मनाते हैं चारों दिशाओं में सेफ्टी रहे ताकि हमारी नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट तो ये फोर डायरेक्शन हो गए ना इसी तरह से फोर याद रख सकते हो थोड़ा सा फोर्थ मार्च को नेशनल सेफ्टी डे आता है या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे याद रख लो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के जस्ट अगले दिन सेफ्टी डे क्योंकि खुद की सेफ्टी रखो वाइल्ड लाइफ से ऐसे करके याद रख सकते हो हो एसोसिएट करके याद कर लिया करो जल्दी हो जाएगा थीम क्या है फोकस थीडरशिप फॉर ई एस जी एक्सलेंस जी का मैंने फुल फॉर्म बता दिया अब देखिए फोर्थ मार्च को 1966 में फोर्थ मार्च को 1966 में नेशनल सेफ्टी काउंसिल सेटअप किया गया था क्या बना था नेशनल सेफ्टी काउंसिल एन एस सी और वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने गठित किया था और 1971 से हम ये डे ऑब्जर्व कर रहे हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल ही इसको ऑब्जर्व कर रहा है नेशनल सेफ्टी काउंसिल क्या काम करता है वो हमारी सेफ्टी हेल्थ और एनवायरमेंट एस मूवमेंट जैसे हम कहते हैं हमारी हेल्थ की एनवायरमेंट की सेफ्टी का ध्यान रखता है ठीक है सो नेशनल सेफ्टी डे हो गया यहाँ तक क्लियर हो गया जी कोई प्रॉब्लम ये हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और सप्ताह इट चलिए अब ऑल uh, दो मैंने ब्रीफ दे दिया है फिर भी मैं बता देती हूँ नए बच्चे क्योंकि रोज डेली जुड़ते हैं कि जो भी आप पढ़ते हो उसका पीडीएफ डेली करंट अफेयर का कहाँ मिलेगा एक तो परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो आप uh, डाउनलोड कर सकते हो उसको और नहीं तो परचम टेलीग्राम चैनल है परचम क्लासेस से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए वो प्लेटफॉर्म और डेली आपको पी मिल जाते हैं वीकली और मंथली मैगजीन के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होता है परचम क्लासेज डॉट इन जैसे कल जो आपने वीकली पढ़ा उसकी कहाँ मिलेगी पी डी एफ परचम क्लासेज डॉट इन पे अब जो मंथली मैगजीन आएगी जैसे कल जो मैंने सैटरडे को सेशन लिया आपका मंथली एम सी क्यू रिविजन कहाँ मिलेगा परचम क्लासेज डॉट इन पे और मंथली मैगजीन भी आएगी जो अभी आप डिटेल में मंथली सी ए पढ़ोगे ना खुशबू मैम आज से सेशन लेंगी आपके उन सारे सेशन का एक डिटेल प्रॉपर बहुत ब्यूटीफुल सी मंथली मैगजीन बनती है वो आपको यहीं मिलेगी गॉट इट जिन बच्चों के पास में सीए सब्सक्रिप्शन है मंथली मैगजीन सिक्स मंथली पीडीएफ सब कुछ यहां मिल जाता है जो भी आप यूट्यूब पर पढ़ते हो और सीए uh, सब्सक्रिप्शन के अलावा पीडीएफ बैंक भी अवेलेबल है बाकी सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ के लिए परचम ऐप से आप इन दोनों को ले सकते हो चलो जी कोई डाउट क्वेरी कंसर्न आए तो हेल्पलाइन नंबर है ईमेल एड्रेस है परचम ऐप चैट है प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू अस बी हैप्पी टू हेल्प यू चलिए सो so अब हम आ, हमने सारे इंपॉर्टेंट डेज कर लिए कौन कौन से किए हमने वाइल्ड लाइफ डे देखा उसके बाद हमने हियरिंग डे देखा फिर हमने सेफ्टी वीक और डे देख लिया ठीक है अब हम चलते हैं स्टेट न्यूज़ की तरफ सो स्टेट न्यूज में सबसे पहले चलो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी कहा मिजोरम सो so, अरुणाचल प्रदेश है नॉर्थ ईस्टर्न सबसे उसके बाद नीचे न यानी नागालैंड मा यानी मणिपुर एंड मी और ये चारों ही स्टेट कौन से कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार से म्यांमार से ठीक है चलिए सो so, इसी मिजोरम की हम बात कर रहे हैं मिजोरम के अंदर यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया उसका नाम है चपचार कुट क्या नाम है चपचार कुट तो मिजोरम के लिए मोजा ले लो सॉक्स मोजा पहन के आप छप 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 कर रहे हो बस याद हो जाएगा मिजोरम में चपचार कुट मनाया गया और ये क्यों मनाया जाता है यहाँ पे झूम कृषि या झूम कल्टीवेशन बहुत पॉपुलर है झूम एग्रीकल्चर इसके अंदर इसको बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर भी बोलते हैं जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं उनके पेड़ वेड़ काट के और उस एरिया को जला दिया जाता है तो वो थोड़ा उर्वरक यानी कि बहुत फर्टाइल सा हो जाता है और वहां पे कृषि की जाती है तो ये जो फॉरेस्ट काटने और जलाने का काम है बहुत आर्डस यानी बहुत मेहनती काम होता है इट इज़ अ वेरी आर्डस टास्क वेरी वेरी एफर्ट कंज्यूमिंग टास्क बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है मेहनती टास्क होता है तो इसमें सारी कम्युनिटी साथ आकर के मेहनत करती है ओके okay? और जब ये क्लियरेंस हो जाती है उसके बाद में चपचार कोट ऑर्गेनाइज किया जाता है एट द बिगनिंग ऑफ अ इयर और इसी इसी मीजो सोसाइटी के अंदर मिजोरम के अंदर एक बहुत ब्यूटिफुल सी प्रथा है ओके okay? और तो गैना मीजो तो गैना आई रियली होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और इसके तहत ना ऐसा कहा जाता है कि मिजोरम की सोसाइटी के अंदर सेल्फलेस सर्विस जैसे चपचार कुट के पहले जब बर्निंग की जा रही है जंगलों की तो ऐसा नहीं है कि एक परिवार अकेले कर लेगा सारी कम्युनिटी साथ आती है राइट तो वहां पे एक ब्यूटिफुल सी प्रथा बोलिए कल्चर बोलिए देखने को मिलता है मीजो तोमन गैना का जिसमें जिसका मतलब होता है सर्विस बिफोर सेल्फ यानी दूसरों की मदद कीजिए आगे बढ़ करके ठीक है समझ में आ गया मिजोरम चपचारकुट So, आपको क्या ध्यान रखना है कहां मनाया जाता है एंड uh, ये जो क्लावमन गहना है ये थोड़ा सा वर्ड ध्यान रख लीजिएगा ये मिजोरम की सोसाइटी का ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्डक्ट है परंपरा है ओ वी हैव अ बट दिस हाउस फ्लाई मक्खी और उसकी वजह से स्लाइड चेंज हो गई इतना सेंसिटिव टच है चलिए So, अगली खबर जो है स्टेट न्यूज में वो आ रही है उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश इमर्ज एज फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इश्यू फाइव करोर आयुष्मान कार्ड आयुष्मान कार्ड ए बी पी एम जे ए वाई यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ए बी पी एम जे ए वाई उसके तहत जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें फाइव लाख रुपीज तक का आप इलाज करवा सकते हो जो लोअर इनकम ग्रुप है उनके लिए होती है और उसी के तहत फाइव करोड़ आयुष्मान कार्ड कौन से स्टेट ने इशू किए हैं उत्तर प्रदेश ने जहां सबसे ज्यादा आबादी भी इंडिया की बस्ती है और इतने आयुष्मान कार्ड से मेन न्यूज तो बस इतनी ही है ठीक है बाकी तो सब ऐसा डेटा दे दिया है जो स्टेट वाले बच्चे होंगे ना यूपी स्टेट वाले वो आप थोड़ा ये डेटा देख लीजिएगा हालांकि ये डेटा चेंज होता रहेगा सो मेन न्यूज बस ये फर्स्ट पैराग्राफ की ही है कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्री के अंदर जिसने पाँच करोड़ आयुष्मान कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इशू किए हैं फिर ये नंबर है कि कितने सारे लोगों को मिल गए हैं कितने हॉस्पिटल्स टोटल इससे जुड़ गए हैं पहले दो जो पेशेंट थे वो डेली एडमिशन लेते थे अब 8000 पेशेंट डेली इससे सर्विसेज ले रहे हैं सो बट ये सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है ये जरूर हम देखेंगे ए ए बी पी एम जे वाई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है कब लाई गई थी इसके तहत क्या क्या होता है सो so, इसको ट्वेंटी थर्ड सेप्टेंबर ट्वेंटी एटीन तेईस सितंबर दो को यह लॉन्च की गई थी कहां से झांसी झांसी सॉरी नॉट झांसी झारखंड रांची रांची और झारखंड मिल गया मेरा रांची झारखंड से इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट फंड करती है पूरा पैसा जिसमें सरकार दे रही है पांच लाख रुपए तक का पर फैमिली पर ईयर इसमें हेल्थ इंश्योरेंस होता है जिसमें आप जाकर के अपना कैशलेस इलाज करवा सकते हो और मनी आपको जो मनी है वो हॉस्पिटल को कंसर्न गवर्नमेंट दे देगी जो भी पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज हैं उनको ये मुफ्त में इलाज देने के लिए बेनिफिट करती है कैशलेस एक्सेस है सारी हेल्थ सर्विसेज का ठीक है सो मेडिक्लेम होता है जैसे आप इलाज करवा लीजिए कंपनी भुगतान कर देगी इसी तरह से ये वर्क करती है फाइव लाख रुपीज का मेडिकल इंश्योरेंस तो ये सेम न्यूज है जो हिंदी में आप देख सकते हो ओके ओके आई शुड डू इट अ लिटिल स्लो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो चलो ठीक है जी अगली न्यूज की तरफ मूव करते हैं अगली न्यूज भी स्टेट न्यूज सेक्शन से ही आ रही है प्रोजेक्ट ओडी सर्व को लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट ओडी सर्व हैज बीन इन संबलपुर क्या है ये प्रोजेक्ट जल्दी से देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान यानी कि जो हमारे एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट ओडी सर्व फॉर ओडिशा ग्रेजुएट्स ओडी ओडिशा का ओडी आ गया नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में आता है और एनएसडीसी के साथ मिला बजाज फिनसर्व कौन सी कंपनी साथ में आई बजाज फिनसर्व और इन्होंने पहला स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया प्रोजेक्ट ओडिसव इसका मेन एम क्या है नॉलेज और स्किल इंपार्ट करेंगे कितने लोगों को बहुत सारे यूथ को सौ आर ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी एक सौ घंटे का ट्रेनिंग इसके अंदर दिया जाएगा पर्टिकुलरली बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस से रिलेटेड इसीलिए बजाज फिनसर्व साथ में आया है ठीक है सो बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी हंड्रेड आर की ट्रेनिंग यूथ को दी जाएगी एन और बजाज फिनसर्व साथ में आए हैं और प्रोग्राम का क्या नाम है ओडी सर्व इट चले आगे चलते हैं सो so, कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय जो एनएसडीसी है उससे रिलेटेड देन अगली खबर भी ओडिशा से ही आ रही है फर्स्ट ए एस टी डी एस टग ओशन ग्रेस इसको इनोग्रेट किया गया है कहां पे पैरादीप पोर्ट पे पैरादीप पोर्ट कहाँ है ओडिशा के अंदर है। ध्यान रखिएगा हमारे जो मेजर पोर्ट्स हैं, उनमें से पैरादीप पोर्ट है तो पहला ए एस टी डी एस क्या होता है अभी मैं बताऊंगी टग टग क्या होता है टग एक तरह से जैसे हमारी टो करने वाली गाड़ियाँ होती है ना इसी तरह से टग होता है पानी के ऊपर अगर किसी शिप को किसी नाव को अटक गई है आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा घुमाना है तो उन सर्विसेज में टग काम में आता है सो so, इस टग का नाम है ओशन ग्रेस और पूरी तरह से भारत में बना हुआ फर्स्ट एव मेड इन इंडिया ए एस टी डी एस ए एस टी डी एस यानी अप्रूव्ड स्टैंडर्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन पूरी तरह से अप्रूव्ड टग जिसका नाम है ओशन ग्रेस उसको पैरादीप पोर्ट के ऊपर इनाग्रेट किया गया है सर्वनंद सोनोवाल जी द्वारा बोलार्ड पुल टग है ये ओशन ग्रेस इसको बनाया किसने है जी इंपॉर्टेंट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया किसने बनाया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इससे क्या होगा वही हमारा आत्मनिर्भर भारत प्रमोट होगा मेड इन इंडिया प्रमोट होगा और ये गोल भी रखा है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत हमने कि जितने भी टग्स हैं ना जो भी शिप्स को और बोट्स को हेल्प करते हैं एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ग्रीन टग्स हो जाएं ट्वेंटी थर्टी तक यानी ग्रीन फ्यूल यूज़ कर रहे हो कार्बन इमिशन्स नहीं कर रहे हो और हमारा अदरवाइज टारगेट क्या है ट्वेंटी थर्टी तक हमारे जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन हैं फिफ्टी परसेंट कट हो जाने चाहिए ट्वेंटी फोर्टी सेवन तक सेवेंटी परसेंट कट हो जाने चाहिए और दो हज़ार सत्तर तक जीरो पे आ जाने चाहिए ट्वेंटी सेवेंटी तक गॉट इट चलिए अब हमने देखा पैरादीप पोर्ट का मेंशन देखा ना क्योंकि जो टग है ओशन ग्रेस कहां इनोग्रेट किया गया पैरादीप पोर्ट पे किया गया तो पैरादीप पोर्ट एक मेजर पोर्ट है इंडिया का पहला क्वेश्चन फॉर यू अभी तक आज मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा इंडिया में कितने मेजर पोर्ट्स हैं ध्यान रखिएगा मैं सिर्फ मेजर पोर्ट्स की बात कर रही करी हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो उनमें से एक है पैरादीप पोर्ट राइट right. ये एक नेचुरल पोर्ट है यानी हमने नहीं बनाया आर्टिफिशियल नहीं है नेचुरली एग्जिस्ट करता था डीप वाटर पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पैरादीप ओडिशा के अंदर राइट right. ये वहां बनता है ये पोर्ट जहां पे महानदी बे ऑफ बंगाल से जाकर के मिलती है और इस पोर्ट के फादर या फाउंडर फादर किसे कहा जाता है बीजू पटनायक जी को नवीन पटनायक जी के पिताजी ओके okay. एंड uh, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने पैरादीप पोर्ट को मेजर पोर्ट डिक्लेयर कब किया उन्होंने 18 अप्रैल 1966 को इसको मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया और ये ईस्टर्न कोस्ट का सबसे पहला मेजर पोर्ट बना था फर्स्ट मेजर पोर्ट इन ईस्टर्न कोस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ठीक है देन पैादीप पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है क्योंकि यहाँ बहुत यहाँ की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है यानी बहुत ज्यादा कार्गो आते जाते हैं यहाँ से सो so, पैरादीप पोर्ट 25 परसेंट ऑफ कोस्टल ट्रैफिक जो है हमारी कंट्री का वो अकेले हैंडल करता है और मेजर पोर्ट में प्रोडक्टिविटी में उत्पादकता में टॉप पे आता है ओके okay? अगर हम ट्वेंटी टू का डेटा देखें तो थर्टी मीट्रिक टन पर शिप बर्थ डे इसका है ये बर्थ क्या होता है भाई ये जन्मदिवस नहीं है बर्थ डे का मतलब जब से शिप लगती है किनारे और उसका सारा सामान निकाला जो भी डालना है डाला और जब तक वो जाती नहीं है उस पूरे दौरान को बर्थ डे कहा जाता है यानी आप उसको रोक रहे हो और फिर वापस रवाना कर रहे हो इसको बर्थ डे कहते हैं सो so, उस दौरान कितना सामान आपने उतारा चढ़ाया उसको अगर हम देखें उसी को प्रोडक्टिविटी कहा जाएगा और उस टर्म्स में पैरादीपो टॉप पे है एंड एट्टी जो वर्क है बर्थ लोडिंग uh, अनलोडिंग से रिलेटेड वो सब मैकेनाइज्ड है यहाँ पे सो इट इज अ एडवांस्ड पोर्ट और इसी को और एडवांस करने के लिए काफी सारी चीजें अब की जाएंगी गॉट इट पोर्ट समझ में आ गया ओडिशा चलिए तो परादीप बंदरगाह जो है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है और ये परादीप पोर्ट के बारे में हमने लिख दिया है ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे अगली न्यूज़ पे अगली न्यूज़ आ रही है अगेन ओडिसा से ओडिसा के कटक ओडिसा के कटक के एक आर्ट को एक कला के फॉर्म को मिला है जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग तो पहले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन समझो हो सकता है काफी सारे बच्चों को नहीं पता कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी पर्टिकुलर भौगोलिक जगह यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे बनाया जाता है प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से उसमें कोई खास बात होती है जैसे कि कोल्हापुर की चप्पल चमड़े की चप्पलें बहुत जगह बनेगी लेकिन कोल्हापुर की जो चप्पल है वो अलग होती है मेहंदी मैं हर बार ये एग्जाम्पल देती हूँ मेहंदी कई जगह बनती है लेकिन सोजत राजस्थान की मेहंदी में अलग खुशबू अलग रंग होता है है ना मखाना तो, तो इसी मिथिला का मखाना अलग ही जाना जाता है तो कोई भी प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर uh, अगर किसी जगह की वजह से कोई खास बात रखती है तो उसके लिए जी आई टैग दिया जा सकता है उसके लिए अप्लाई करना होता है अप्रूव हो जाता है तो जी आई टैग मिल जाता है इससे बेनिफिट क्या होता है आपका सर्टिफाइड प्रोडक्ट हो गया कि भाई बिल्कुल ऑथेंटिक प्रोडक्ट है आप इसको मार्केट में अच्छे दामों पर बेच सकते हो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इससे बेनिफिट कर सकते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी का हो जाता है ये सारे बेनिफिट होते हैं सो ओडिशा का बहुत सदियों पुराना सिल्वर फिलग्री गेट्स जी आई टैग जी आई टैग मिला है और ये क्या है ये चांदी की तारकशी का काम है चांदी के तार होते हैं उनसे अलग अलग सुंदर सुंदर ज्वेलरी भी बना दी जाती है और डेकोरेशन के आइटम भी बना दिए जाते हैं सो चांदी की तारकशी यानी सिल्वर फिलग्री जो है कटक की कहाँ की ओडिशा के कटक की उसको जीआई टैग मिला है तार मतलब वायर कसी यानी डिजाइन इससे मिलकर के ये बना है अब बहुत पुराना है ये ऐसा कहा जाता है कि इस वर्क की जो सिल्वर फिलगरी का वर्क है 3500 फाइव में मेसोपोटामिया में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ आज भी ये काम किया जाता है इसको तेलकारी वर्क के तौर पे वहां पे किया जाता है और जो हिस्टोरियंस हैं वो ऐसा मानते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि तारकशी का वर्क जो है वो पर्शिया से कटक कैसे पहुंचा इंडोनेशिया के थ्रू तो पर्शिया से इंडोनेशिया होता होता और ये पहुंचा होगा यहां पे करीब 500 साल पहले फाइव सेंचुरी है ना ठीक है तो ये है कौन सा वर्क सिल्वर फिलग्री ओडिशा के कटक यहां से जी आई टैग मिला है ठीक है जी चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं अगली न्यूज अब हम लेंगे डिफेंस साइंस टेक और डिफेंस एक सेक्शन होता है ना उसमें डिफेंस सेक्शन से न्यूज आ रही है इंडियन नेवी टू कमीशन आईएनएस जटायू

वो एंटी इंडिया और प्रो चाइना अप्रोच के साथ वर्क कर रही है यानी चाइना से उनके रिश्ते थोड़े पास होते जा रहे हैं और हमसे थोड़ा वो कटते जा रहे हैं हमारे जो भी वहाँ पे सोल्जर्स या मिलिट्री मिलिट्री लोग हैं उनको वहाँ से भेजने की बात की गई है और उससे बस थोड़े ही दिन पहले हमने डिसाइड किया कि हम मिनिकॉय में यानी हमारी ही टेरिटरी में हमारा एक नेवल बेस लगाएंगे ताकि अगर इंडियन ओशन में कोई भी चहल पहल होती है इस तरह की जो हमारे देश के लिए खतरा हो सकती है तो हमें जल्दी से जल्दी पता चल जाए इस बारे के इस बारे में ठीक है ऑलरेडी लक्षद्वीप में हमारा एक बेस है लेकिन वो थोड़ा ऊपर है ठीक है मॉलदीप से बहुत ज्यादा पास नहीं है इसलिए हम मिनिकॉय में अपना बेस लगा रहे हैं ताकि बिल्कुल इंडियन ओशन हमारे टेरिटरी वाले एरिया में जहाँ पड़ता है बिल्कुल स्टार्टिंग वहीं पे हमारा एक नेवल बेस हो जाए और धीरे धीरे फिर हम इस बेस को और बढ़ाएंगे ताकि यहाँ से हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह भी उड़ सके मिलिट्री के तो अच्छी खासी हम निगरानी इस एरिया में रखना चाह रहे हैं सो कमिशनिंग ऑफ आई एन एस जटायू एट मिनिकॉय आईलैंड लक्षद्वीप समझ में आ गया अभी लोकेशन देखेंगे मैप के ऊपर सो so, नेवी बिल्कुल सेट है नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय ऑलरेडी मिनिकॉय में हमारा नेवल डिटैचमेंट था यानी वहां पे हमारी प्रेजेंस थी एक यूनिट वहां पे हमारी डिप्लॉयड थी अब हम उसको बेस की तरह बना रहे हैं यानी उसको और बड़ा बना रहे हैं ठीक है और ये सिक्स मार्च को हम करेंगे और ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड है लक्षद्वीप हमारे लिए मिनिकॉय की अगर हम बात करें सदर मोस्ट आइलेंट है लक्षद्वीप का और लक्षद्वीप में पहले भी हमारा एक नेवल बेस है कहां पर है काबराती जो है लक्षद्वीप का उसके द्वीप प्रकाशक ऑलरेडी एक नेवल बेस वहां पे है दूसरा नेवल बेस आ रहा है मिनिकॉय में किस नाम से किस नाम से जटायू के नाम से बेस को बाद में ऑपरेट किया एक्सपैंड किया जाएगा ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह यहाँ पे लगाए जा सके और ये फर्स्ट रिस्पोंडर बनेगा हमारा इस पूरे रीजन का कुछ भी अगर होता है तो इंडिया मेनलैंड तक जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंच सकेगी ठीक है मेन काम तो भाई ठीक है हमारी ऑपरेशनल रीच बढ़ेगी अगर कोई एंटी पायरेसी एंटी नार्कोटिक एक्टिविटीज हो रही हैं हमारे अरेबियन सी वेस्टर्न पार्ट में तो पता पड़ जाएगा लेकिन मेनली चाइना की प्रेजेंस इस रीजन में बढ़ सकती है और इसलिए हम पहले से तैयारी कर रहे हैं प्रोएक्टिव होकर के uh, हमें हमारे इंडियन ट्रूप्स मॉलडीव से हटाने ही हैं और उसी से पहले हम हमारा बेस मिनिकॉय में लगा रहे हैं सो नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय जो कि 1980s में बना था वहीं पे अब आई एन एस जटायू के तौर पे उसको नेवल बेस के तौर पे तैयार किया जाएगा आई यू क्लियर ऑफ दिस न्यूज चलिए अब यहाँ देखिएगा दिस इज इंडियन मेनलैंड हमारा इंडियन टेरिटरी में ऑलरेडी लक्षद्वीप में कवरती में हमारा बेस था अब हम मिनिकॉय में अपना बेस बनाने जा रहे हैं और स्ट्रॉगली और लक्षदीप और मिनिकॉय के बीच में पड़ता है नाइन डिग्री चैनल कई बार पूछ लिया जाता है नाइन डिग्री चैनल मीनिकॉय और मॉल के बीच में पड़ता है एट डिग्री चैनल देखो इधर साउथ में इक्वेटर आता है ना इक्वेटर से ऊपर चलोगे तो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री ऐसे तो ध्यान रखिएगा मॉल से मीकॉय के बीच में एट डिग्री मीनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में नाइन डिग्री एंडमेन एन निकोबार के बीच में टेन डिग्री ठीक है ये इन्होंने लेवल गलत मार्क कर रखा है टेन डिग्री थोड़ा ऊपर दिखाना चाहिए था इनको मैप पे एनीवेज चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखोगे और प्रोमिनेटली तो ये कावराती यहां पहले हमारा बेस है अब जो हम बना रहे हैं ये रहा मिनी कॉय और इन दोनों के बीच में ये नाइन डिग्री चैनल आपको दिख रहा है तो मिनी कॉय सबसे सदर मोस्ट है और इंडियन ओशन पर्टिकुलरली वेस्टर्न अरेबियन सी में हमारी बहुत अच्छी एक कम्युनिकेशन पॉइंट सेटअप हो जाएगा कुछ भी हरकत हो तो हमें पता चल जाएगा तो यही हिंदी है सेम न्यूज की देन अगली खबर भी डिफेंस सेक्शन से आ रही है सुमन कुमारी बिकम्स बीएसएफ फर्स्ट वुमन स्नाइपर सुमन कुमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं स्नाइपर कौन होते हैं जो कि छुप करके निशाना लगा रहे होते हैं ठीक है तो वो अपनी आइडेंटिटी या वो कहाँ है कौन सी लोकेशन पे नहीं दिखाते और छुप करके निशाना लगाते हैं कई बार एक्टिव टारगेट को हिट करने के लिए कई बार जो सामने टेररिस्ट हैं या मिलिटेंट हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए ताकि हमारे लोगों की सुरक्षा की जा सके तो उनको स्नाइपर्स कहते हैं और इसकी बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है कमांडोज के बाद इसी की ट्रेनिंग को सबसे डिफिकल्ट बताया जाता है सो so, सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी इन्होंने अपनी एट uh, वीक की स्नाइपर कोर्स कंप्लीट कर लिया है सेंट्रल स्कूल वेपन्स एंड टैक्टिक्स इंदौर से और अब ये फर्स्ट uh, वुमन स्नाइपर बन चुकी इंस्ट्रक्टर ग्रेड की और इस कोर्स को टफेस्ट ट्रेनिंग फोर्स कोर्स इन द फोर्स बताया जाता है आफ्टर कमांडो ट्रेनिंग सो सुमन कुमारी जी का नाम याद रखेंगे अब क्योंकि बी की हमने बात की है बी के बारे में आज अच्छे से समझ लेते हैं और ये जो स्टैटिक इन्फो मैं आपको दे रही हूँ किसी भी एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल होती है ठीक है सो so हमारे जितने भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज होते हैं सी हमारी जितनी भी बॉर्डर से रिलेटेड सिक्योरिटी uh, की फोर्सेज होती हैं जिनको हम बॉर्डर पेट्रोल फोर्सेस कहते हैं कितनी होती हैं क्या इसमें आइडिया लग जाएगा आपको बीएसएफ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट दिसंबर 1965 को एस्टैब्लिशमेंट में आई थी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसके बाद इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था इसके फाउंडिंग फादर किसे कहा जाता है के एफ रुस्तम जी को ये सबसे पहले बीएसएफ चीफ भी थे और फाउंडिंग फादर भी कहे जाते हैं के एफ रुस्तम जी बी एस एफ में सारे रोस्तम ही होंगे ना है ना बॉर्डर पे सुरक्षा करना आसान थोड़ी होता है बी एस एफ इज वन ऑफ इंडिया फोर बॉर्डर पेट्रोल फोर्सेस हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं अंतरराष्ट्रीय हैं उन पे गश्त लगाने वाले पेट्रोल करने वाले चार फोर्सेज हैं उनमें से एक बी एस एफ है जाहिर सा क्वेश्चन आ रहा होगा मैम बाकी तीन कौन सी हैं तो देख लीजिए असाम राइफल्स हैं जो कि इंडो म्यांमार बॉर्डर पे गश्त लगाते हैं BSF है जो कि इंडो बांग्लादेश और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे गश्त लगाते हैं इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस नाम से ही समझ में आ रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर पे और सशस्त्र सीमा बल SSB जो कि इंडिया भूटान और इंडिया नेपाल बॉर्डर पे मैप दिमाग में चलाते हुए देखोगे फटाफट याद हो जाएगा ठीक है ये चार हमारी बॉर्डर पेट्रोल फोर्सेस हैं और बी हमारी सेवन सी फोर्सेस में से भी एक है ठीक है सात सीएपीएफ फोर्स पहले भी एक बार पढ़ा चुके बी एस एफ का, का नई दिल्ली के अंदर है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में ये आती है। जी चलिए बी बताओगे मुझे अभी Who is heading the अभी कौन है बी के हेड राइट इन हिंदी कॉमेंट सेक्शन ये हिंदी में न्यूज आ गई सुमन कुमारी जी की और ये सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चलिए अगली खबर भी डिफेंस सेक्शन से आ रही है एम एच सिक्सटी आर सी हॉक हेलीकॉप्टर टू बी कमीशन इन टू इंडियन नेवी एस आई एन एस थ्री थ्री फोर स्क्वाड्रन एम एच सिक्सटी आर जो ये हेलीकॉप्टर है बहुत एडवांस हेलीकॉप्टर है यूएस से एक डील के तहत हम ले रहे हैं वो बहुत ही जल्दी कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी में और किस नाम से या किस आ, किस फॉर्म के अंदर इसको कमीशन किया जाएगा आई एन ए एस थ्री थ्री फोर स्क्वाड्रन ये पूरा एक स्क्वाड्रन बनाएगा आई एन ए एस थ्री थ्री फोर ठीक है और इसके तहत फिर ये इंडियन नेवी में अपनी सेवाएं देगा सो इंडियन नेवी कमीशन करेगा सिक्सटी एम एच सिक्सटी आर सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को मल्टी रोल क्यों क्योंकि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काम आ सकता है एंटी सरफेस वॉर अगर होगी उसमें काम आ सकता है सर्च एंड रेस्क्यू में काम आ सकता है बहुत सारे रोल्स हैं इसके और इसको आई एन एस गरुड़ नेवल स्टेशन जो कोची केरला के अंदर है वहां पे इसको कमीशन किया जाएगा कब सिक्स को कमीशन करना यानी सेवाओं में लेना ओके तब से इसको यूज करना सेवाओं में लेना शुरू कर दिया जाएगा एंड इसको यूएस ने मैन्युफैक्चर किया है और वहां पे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हीं का मरीन वर्जन यानी नेवी के लिए यूज करने लायक इसको बनाया गया है इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में जिसके तहत हम ट्वेंटी फोर हेलीकॉप्टर्स उनसे बाय करेंगे और ये हमने फरवरी 2020 में साइन कर लिया था उसके तहत हमें पहला जो है कमीशन करने को मिल रहा है गॉट इट जी चलिए ये हिंदी में न्यूज़ अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे अगली खबर जो आ रही है वो हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड आ रही है यानी नेशनल सेक्शन ऑफ न्यूज़ से आ रही है यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जिन्होंने इनॉग्रेट किया है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स अंडर पीएलआई स्कीम बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइस न्यूज समझिएगा चालू किए जाते हैं उनको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है एक होते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उन्हीं को रिनोवेट किया जाता है बेहतर किया जाता है ग्रीन फील्ड जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किए जाते हैं अंडर पीएलआई स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जितना प्रोडक्शन करोगे उतने इंसेंटिवाइज किए जाओगे तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पीएलआई स्कीम्स लाई जाती हैं फॉर बल्क ड्रग्स बल्क ड्रग्स क्या होती हैं ऐसी ड्रग जो बहुत सारी दवाइयों में काम आती है मतलब बेस बनाती हैं दवाइयों का ठीक तो है तो ऐसी बल्क ड्रग्स होती हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन ओके सो ये बल्क ड्रग है तो उनके लिए एंड मेडिकल डिवाइस के लिए जैसे एम आर आई स्कैनर्स वगैरह होते हैं तो मेडिकल डिवाइस के लिए बल्क स्कैनर्स के लिए पी एल आई स्कीम के तहत ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स इनोग्रेट किए गए मनसुख मंडाविया जी द्वारा न्यू समझ में आ गई अब टोटल 51 प्लांट्स को इनोग्रेट किया जिसमें से 22 तो बल्क ड्रग्स के लिए थे 39 हमारे मेडिकल डिवाइसेस के लिए थे अब ये इतनी कोई ये नंबर याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको देखिए ये जो बल्क ड्रग्स होती है ना इनको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी कहा जाता है मतलब ये एक्टिवली यूज़ किए जाते हैं फिर थोड़ी बहुत और चीज़ें डाली जाती हैं और दवाइयों में वेरिएशन आ जाता है तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या बल्क ड्रग्स जो मेन इंग्रेडिएंट है किसी ड्रग या मेडिसिन के ड्रग का मतलब नेगेटिव वाला ड्रग मत ले लेना है ना वो ड्रग्स करना नहीं दवाई के कॉन्टेक्स में कहा जा रहा है पी स्कीम से हम आ, बिल्कुल आ, विजन ले रहे हैं कि हम फोर्टी बल्क ड्रग्स बना सकें ठीक है और ट्वेंटी ट्वेंटी वन मतलब ट्वेंटी 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 वन से लेकर के ट्वेंटी नाइन थर्टी तक के लिए ऑलमोस्ट सेवन थाउजेंड का बजट रखा गया है अब देखिए यहाँ तक तो जो न्यूज़ हो गई हो गई अब जो बच्चे पर्टिकुलरली किसी भी एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिहाज से जाएंगे ना उनके लिए ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्यों क्योंकि यहाँ मनसुख मंडाविया जी ने अपने जो एड्रेस था उसके अंदर हेल्थ uh, सेक्टर से रिलेटेड कुछ डेटा प्रेजेंट किए हैं जैसे कि इंडिया कंटिन्यूस टू इंपोर्ट 70% परसेंट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस आज भी जितने भी मेडिकल डिवाइसेस आप इंडिया में यूज होते हुए देख रहे हो 70% प्रतिशत सेवेंटी परसेंट हम इंपोर्ट करते हैं तो ये जो अभी इनाग्रेट uh, कर रहे हैं हम अलग अलग ग्रीनफील्ड uh, प्रोजेक्ट्स को इसके बाद इम्पोर्ट्स में कमी आएगी क्योंकि हम खुद से बनाना शुरू कर देंगे

क्रिटिकल एपीआई में तो बन चुका है जो क्रिटिकल बल्क ड्रग्स होती हैं उनमें हम सेल्फ सफिशिएंट यानी अपना अपना गुजारा तो हम बिल्कुल चला ले रहे हैं पर हम इतना करना चाह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट में भी मेजर नेम्स में सामने आ सके मेडिकल एक्सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेवेंटी फाइव थाउजेंड करोरस के इनकमिंग डेज कर पाए ठीक है तो मेडिकल सेक्टर के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ये सारी स्कीम बहुत बेनिफिट करेंगी गॉट इट जी ये रही हिंदी की न्यूज चलिए अगली खबर के लिए अब हम चलते हैं फिनेंस सेक्टर से रिलेटेड न्यूज है फ्लिपकार्ट जो ई कॉमर्स साइट है सो फ्लिपकार्ट ने भी अपना यूपीआई चालू कर लिया तो अभी तक फ्लिप, आप अगर फ्लिप फ्लिपकार्टे खरीद आदि करते थे तो आप अलग अलग यूपीआई थर्ड पार्टी के यूज करते थे अब आप इसी का खुद का यूज कर सकते हो बस इतनी सी न्यूज है और किसके साथ मिलके किया है इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ ये ध्यान रखिएगा फ्लिपकार्ट यूपीआई पेमेंट सर्विसेज लॉन्च हो गई हैं अपना खुद का यूपीआई इन्होंने लॉन्च किया है इन कोलेबोरेशन विद एक्सिस बैंक और इसको क्या कहा जाएगा फ्लिपकार्ट यूपीआई ठीक है तो आप फ्लिपकार्ट में भी और अदरवाइज भी इसको यूज कर सकते हो चलिए ये हिंदी न्यूज रही अगली खबर जो आ रही है इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड रिक इन निकारागुआ निकारागुआ जो कि एक स्पैनिश कंट्री है कौन सा कंट्री है ये स्पेन स्पैनिश बोली जाती है यहां पे सो निकारा गुआ अच्छा यही मुझे बता दो वैसे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कोई बात नहीं निकारा कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है ठीक है कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है और इसकी कैपिटल क्या है ठीक है ये दो क्वेश्चन आप मुझे निकारागुआ के कॉन्टेक्स्ट में आंसर करिएगा सो निकारागुआ पहला स्पैनिश स्पीकिंग कंट्री बन गया है जिसने इंडिया फार्मा स्टैंडर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया है यानी हमारी जो इंडियन दवाई मतलब हम जो दवाइयां यूज करते हैं उसकी जो एक तरह से रूल बुक है वो सेम एक्नोलिज uh, की है निकारागुआ ने कि हाँ भाई हम भी आपकी ये रूल बुक को फॉलो करना चाहेंगे ठीक है तो आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं दवाइयाँ एडमिनिस्टर करने के कब कौन सी दवाई कितने डोज में कैसे देनी चाहिए वो सब हम भी एडमिनिस्टर करेंगे सो so, देखिए इंडिया एंड निकारागुआ ने एक एमओ यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑन फार्माकोपिया 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 क्या होता है फार्माकोपिया मतलब एक बुक जिसमें आपके केमिकल्स ड्रग्स या जो भी सब्सटेंसेज आप यूज कर रहे हो और कैसे यूज कर रहे हो दवाई के तौर पे अलग अलग बीमारियों में वो होता है तो देश की या तो अपनी खुद की ये फार्माकोपिया होती है कि भाई हमारे खुद के रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स हैं या फिर वो किसी और देश के अडॉप्ट कर लेता है तो हमारे स्टैंडर्ड्स को निकारा गुआ ने एक एमओ के तहत एक्नोलेज किया है या फिर क्या बोलेंगे हम कि रिक्नाइज किया है दैट इवन वी वुड बी विलिंग टू यूज रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मेडिसिन ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर यही बताती है कि कौन सी मेडिसिन किस किस तरह से फॉर्मुलेशन में कब कब यूज होनी है ठीक है सो इंडियन आईपी जो है यानी इंडिया की फार्माकोपिया है उसने स्पेसिफाइड लिमिट बता रखी है ड्रग्स को टेस्ट करने के तरीके बता रखे हैं और वही सब अब निकारागुआ भी यूज करेगा ऐसा नहीं है कि निकारागुआ पहला कंट्री है जिसने रिकग्नाइज किया हमारे फार्माकोपिया को नहीं ये पहला स्पैनिश स्पीकिंग कंट्री इससे पहले अफगानिस्तान घाना नेपाल मॉरिशस और सरेनेम ये पांच देश हैं जो ऑलरेडी रिकग्नाइज कर रखे हैं और यूज करते हैं हमारे हमारे फार्माकोपिया को गॉटेड जी चलिए ये हिंदी न्यूज और राइट फिर हम बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की तरफ सो एफ वन फॉर्मुला वन चैंपियन मैक्स वर्स नया सीजन चालू हो गया 2024 में रेसिंग का और उसमें पहला जो इवेंट था बाहरेन ग्रैंड प्री वो किसने जीत लिया मैक्स वर्सटैपिन ने जीत लिया है और इस सीजन की पहली जीत उन्होंने अपने नाम की है पिछले सीजन की अगर हम बात करें 22 रेसेस हुई पिछले पूरे सीजन में 2023 में उसमें नाइनटीन रेसेज मैक्स वर्सटैपिन ने जीती ठीक है और उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया लगातार 10 एफ वन रेसेस जीतने का पिछले सीजन में 2024 इस बार का लॉन्गेस्ट सीजन माना जा रहा है 24 फोर रेसेज इस बार होंगी मैक्सिमम में मैक्स वर्सटैपन का नाम मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रही हूं तो हमें बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा जो कोई और लोग जीतेंगे तो हम याद कर लेंगे और ये कौन सी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं रेडबुल रेसिंग को रिप्रेजेंट करते हैं डच प्लेयर हैं गॉट इट चलिए ये हिंदी न्यूज और स्पोर्ट्स uh, की दुनिया से ही अगली खबर आ रही है एलेक्स दे मेनोर बीट्स कैस्पर रूड एलेक्स दे मेनोर ने किसको हराया कैस्पर रूड को हराया और क्या जीता इन्होंने इन्होंने जीता है मैक्सिकन ओपन टूर्नामेंट 2024 लेकिन साथ ही साथ एक रिकॉर्ड भी बना लिया लगातार दूसरी बार मैक्सिकन ओपन जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बन जाते हैं आफ्टर 2012 यानी 2012 में आखिरी बार ऐसा हुआ था कि लगातार मैक्सिकन ओपन मैक्सिकन ओपन किसी खिलाड़ी ने जीता था और उस खिलाड़ी का नाम है डेविड फेरर डेविड फेरर 2012, 2012 से कैलेंडर का बनाता है अलग अलग जगह टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे इंडिया वेल्स होता है एटीपी ये आपने देखा मैक्सिका ओपन हो गया इस तरह से बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं सो मैक्सिकन ओपन के अंदर कंजेकेटिवली जो खिलाड़ी जीता है 2012 के बाद पहली बार उनका नाम क्या है एलेक्स मेनोर एलेक्स दे मेनोर किसको हराया हराया कैसपोरूड को हराया बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है इट जी ये हिंदी न्यूज चलिए सो अगेन आई एल बी आस्किंग यू कि मुझे प्लीज बताइएगा मेरे हिंदी वाले बच्चों कि आपको इस तरह से पढ़ने में कंफर्टेबल फील हो रहा है नहीं तो एक और अल्टरनेटिव जो मैंने ऑलरेडी सोच लिया है वो आई वुड रियली वांट टू डू अभी तक आपको जो डेली सीए की पीडीएफ है टेलीग्राम पे और पर्चा पे तीन चार बजे तक मिलती है रोज मैं कोशिश करूंगी कि जब इंग्लिश इंग्लिश की प्रोवाइड हो तभी हिंदी की भी आपको प्रोवाइड हो जाए और इस तरह से मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है फिर भी आप बताइएगा आपको ठीक लगा या नहीं लगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं रिविजन क्वेश्चन की तरफ पहला क्वेश्चन आ रहा है आंसर कीजिएगा। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट ओडिसर प्रोजेक्ट ओडिसर याद है ओडिशा के अंदर लॉन्च किया गया ठीक है, चलो देखते हैं। प्रोग्राम फॉर यूथ ठीक है सो so, ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक पहल है और हजार घंटे का प्रशिक्षण इसके तहत दिया जाएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है हजार घंटे का तो नहीं था हंड्रेड आवर्स का था सो ओनली वन इज राइट ठीक है ए आंसर हो जाएगा विद स्टेट इन इंडिया हैज रिसेंटली एमर्ज एज फर्स्ट टू इशू फाइव करोर आयुष्मान कार्ड अंडर एबीपीएम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच करोड़ आयुष्मान कार्ड्स इशू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है आंसर इज उत्तर प्रदेश बिल्कुल अगेन ए इज द आंसर चलो नेक्स्ट हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू विन कंजेकेटिव titles इन मैक्सिको ओपन सिंस 2012? 2012 से अब पहली बार लगातार मैक्सिकन ओपन जीतने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है बिल्कुल हाल ही में पढ़ा है तो हमने क्या नाम होगा एलेक्स दे मिन किसको हराया? को हराया को हराया अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन बिल्कुल कौन सी कंट्री के हैं ये ही बिलोंग्स टू विच कंट्री राइट डाउन जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं कंसिडर द्स रिगार्डिंग सिल्वर फिलग्री क्राफ्ट सिल्वर फिलग्री क्राफ्ट जी टैग में हमने पढ़ा था ठीक है इट इज ए नाइन सेंचुरी ओल्ड सोफिस्टिकेटेड क्राफ्ट प्रैक्टिस हम्पी की, की नौवीं शताब्दी का एक कोई क्राफ्ट है ये इट इज अ चांदी तारकशी आर्ट प्रैक्टिस इन कटक ओडिशा कटक ओडिशा में प्रैक्टिस करने वाली चांदी की तारकशी का कला है ये द गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड जी आई टैग टू कर्नाटका फॉर दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट जी आई टैग जो इसके लिए मिला है भौगोलिक संकेत टैग वो कर्नाटका को मिला है बताइए क्या राइट है इसमें से हम्पी से रिलेटेड नहीं है कर्नाटका से रिलेटेड नहीं है कटक ओडिशा ऐसे आंसर आ जाएगा सो ओनली टू सी इज राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं यू एन जनरल असेंबली ऑफिशियली डेजिग्नेट मार्च थ्री एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पे तीन मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में कब से मनाना शुरू किया है जब से अभी वाली सरकार पावर में आई थी 2014, वेरी गुड ठीक है जी और अगला क्वेश्चन फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ए एस टी डी एस टग ओशन ग्रेस हैज बीन इनोग्रेटेड एट विच मेजर पोर्ट इन इंडिया भारत में पहली बार निर्मित ए एस टी डी एस टग ओशन ग्रेस का उद्घाटन भारत के किस प्रमुख बंदरगाह पर किया गया है ओडिशा का पैरादीप पोर्ट वेरी नाइस एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच इंडियन स्टेट इज द कुट फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड कौन सा राज्य है हमारा जहाँ पर कुट त्यौहार या उत्सव हाल ही में मनाया गया दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड आज मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा इस पूरी पीपीटी को बनाना बिकॉज मैंने हिंदी कोऑपरेट इनकॉपरेट करने की कोशिश की है सिर्फ इसलिए बिकॉज मैंने कई बार बच्चों को बोला है कि आई विल ट्राई इनकॉपरेट आई विल ट्राई और एक ट्राई करना तो बनता था ये बहुत ऑनस्ट ट्रायल मैंने किया है आई डों नो मैं इसको कंटिन्यू रख पाऊंगी या नहीं बट अगेन आई वुड वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर साइड कि अगर मैं बारह बजे आपको हिंदी पी डी एफ प्रोवाइड कर दूं तो आपका काम चल जाएगा क्या एंड फॉर ऑल दर स्टूडेंट्स माई इंग्लिश मीडियम वंस आई रीली होप यू वु अंडरस्टुंड एवरीथिंग अब हम केंगे दिन में बारह बजे तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और जिनको मंथली सेशन डिटेल वाले देखने हैं आज शाम सात बजे से स्टार्ट हो जाएंगे बाय